एलईडी ब्लिंकिंग व्हेन बटन इज प्रेस्ड। तो यहाँ पर हम जो बटन यूज करेंगे दैट इज पुश बटन। तो जैसे ही आप उस बटन को प्रेस करोगे एलईडी जलेगी, और अगर उसे छोड़ दोगे तो एलईडी, जैसे कि ये बटन होते हैं, लेकिन इसमें क्या दबाने वाले हैं, दबाओ और जैसे आप हटाओगे उस पे से वो एलईडी बुझ जाएगी। तो ये हम पुश बटन का यूज कर रहे हैं। जैसे तो हमने क्या किया कि जो चीजें यूज करते थे आर्डिनो यूएनओ तो लेंगे ही लेंगे बोर्ड, उसके साथ में हम लोग क्या, हम किसका यूज कर रहे हैं, पुश बटन का यूज कर रहे हैं। जैसे पुश बटन बटन प्रेस होगा एलईडी जलने लगेगी, अदरवाइज वो बुझ जाएगी। तो इसमें हमने क्या किया है कि जो एलईडी पिन थी उसे 8 नंबर से कनेक्ट किया है, और जो पुश बटन था उसे 13 नंबर पिन से कनेक्ट कर रखा है, और जो पुश बटन की स्विच स्टेट थी दो ही होंगी, या तो ऑन होगा या ऑफ होगा, तो हमने फिलहाल उसे इंटीजर स्विच स्टेट 0 कर रखी है, और जब वो प्रेस होगा तो 1 यानी कि हाई हो जाएगी। तो बाइट सेटअप में हमने पिन मॉड कर रखा है क्या, एलईडी पिन। एलईडी पिन क्या हो जाएगी, आउटपुट एलईडी पिन कौन सी है, 8, जिससे कनेक्टेड होती है उसी को लिखते हैं। अगर आप यहाँ पे 8 नंबर पिन से कनेक्ट कर रखे हैं तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे 8 आउटपुट। फिर स्विच पिन कौन सी है, 13। 13 कैसे यूज हो रही है, इनपुट, क्योंकि इनपुट ही तो दोगे फिंगर से अपने, जब इनपुट दोगे तभी तो उसके रिस्पॉन्डिंग आउटपुट मिलेगा, इसलिए वो जाएगा इनपुट पुल अप। फिर हम क्या करेंगे लूप फंक्शन में, सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे कि स्विच की स्टेट, स्टेट कैसे पता लगेगी कि हम राइट कराएंगे स्विच पिन की वैल्यू क्या है। अगर पुश हुआ होगा बटन तो स्विच की पिन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अगर पुश नहीं हुआ होगा तो स्विच पिन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। वो किसमें चली जाएगी, स्विच स्टेट नाम के वेरिएबल में चली जाएगी। जाने के बाद अब हम चेक करेंगे क्या स्विच स्टेट की पिन लो है, इक्वल टू, तो हम क्या कर देंगे कि डिजिटल राइट कर देंगे हाई। अदर और 3 सेकंड का डिले करने के बाद फिर उसे क्या कर देंगे, लो कर देंगे एलईडी पिन को। ये प्रोग्राम रहेगा। अब एक बार इसका सर्किट देख लो, ये सर्किट बना हुआ है कि हमने एलईडी सेलेक्ट लगा दी यहाँ पे जैसे हम नॉर्मल लगाते थे, उसके बाद में जो उसका एनोड वाला था उस पर हमने क्या कर दिया, रजिस्टर लगाया, कितने ओम का, 220 ओम का रजिस्टर लगा दिया, और इसको किससे कनेक्ट कर दिया, 8 नंबर वाली से। ये हमने किससे कनेक्ट कर दिया, 8 नंबर वाली पिन से करा गए एनोड, ये 8 नंबर वाली पिन से कनेक्ट कर दिया। फिर हमने कहा कि पुश बटन का क्या है, ये कैथोड पे हमने कनेक्ट कर रखा है। ये देखो पुश बटन में 4 पिन होती हैं, 4 में हम ये वाली पिन का यूज करते हैं और ये वाली पिन का यूज करते हैं, बाकी 2 ये वाली पिन। अब हमने क्या किया, इसको जो पुश बटन था उसको किससे कर, उसे तो हमने कर दिया ग्राउंड ये वाली पिन को, और इसकी दूसरी वाली पिन को क्या कर दिया हमने, 13 नंबर पिन से कनेक्ट। ठीक है, इस ढंग से कनेक्शन बन गया, और हमने कोड जो आपको बताया था वही लिखा है कि स्विच पिन 13 नंबर पिन पे कनेक्ट कर रखी है, एलईडी पिन 8 है, स्विच स्टेट स्टार्टिंग में 0 है, और पिन एलईडी पिन आउटपुट में जाएगी, और स्विच पिन क्या होगी, इनपुट की तरह बिहेव करेगी, और स्विच स्टेट क्या हो जाएगी, जो स्विच पिन की वैल्यू होगी। और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, यानी कि अगर इफ द स्विच इज प्रेस्ड तो हम क्या करेंगे, हाई वैल्यू पास कर देंगे, अदरवाइज लो वैल्यू वहां पे हो जाएगी 3 सेकंड्स के बाद। इसको रन करा के देख लेते हैं। स्टार्ट सिमुलेशन किया दोबारा से, पुश किया तो
जल गई और जैसे हम हटाएंगे तो बच जाएगी। ये पुश बटन के थ्रू हो रहा है। ये था आपका प्रोग्राम एलईडी ब्लिंकिंग व्हेन पुश बटन इज प्रेस्ड।